नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर है, चंद्रशेखर आजाद रावण पर आज शाम में हमला हुआ यूपी के सहारनपुर के देवबंद में। फिलहाल एक नई तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जिससे उनको हॉस्पिटल ले जाने की तस्वीरें हैं, और ये देखिए। ये वो तस्वीरें हैं जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है और उनकी हालत स्थिर बनी हुई है, और उनके ऊपर जिस तरह से हमला हुआ है वो बहुत ही भयानक है। ये गाड़ी देखिए, जो हमले की तस्वीर दिखा रही है, देखिए ये वो गाड़ी है। गाड़ी के गेट में गोली लगी है, गाड़ी के सीट में गोली लगी है। चंद्रशेखर आजाद की अब तक की जो जानकारी आ रही है, गोली छू कर निकली है। उन्होंने बयान भी दिया है कि हमारे लोगों ने पहचान लिया है। लेकिन इस हमले के बाद पूरा बहुजन समाज एकजुट है चंद्रशेखर आजाद रावण के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, जयंत चौधरी हो, इन सब लोगों ने ट्वीट किया है, यूपी सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की है, सुरक्षा देने की मांग की है। और एक बात तो है कि पूरा देश, पूरी दुनिया में जो SC ST OBC किसान के चिंतक हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि जो विचारों से नहीं लड़ते हैं वो हथियार चलाते हैं, हमला करते हैं, पीठ पीछू हमला करते हैं। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर है, पूरा देश चंद्रशेखर आजाद रावण की को ठीक होने के लिए दुआ मांग रहा है, और सबसे बड़ी खबर है। फिलहाल जानकारी के मुताबिक उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है, ठीक है, वो घबराने की कोई बात नहीं है। टीवी अखबार में भी खबर चल रही है, सोशल मीडिया पर बवंडर खड़ा हुआ है। तो अब वो वक्त नहीं है जब बहुजन समाज के नेताओं पर हमला करके, सोचिए जगदेव बाबू को इसी तरह से हत्या की गई थी, सोनेलाल पटेल की हड्डियां तोड़ दी गई थी। तो बहुजन नेताओं पर इसी तरह से हमले होते रहे हैं। पहले उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, इग्नोर किया जाता है, गाली गलौज किया जाता है। तो बहुजन समाज के बहुत सारे नेताओं की इसी तरह से हत्या होती रहती है। बिहार के वैशाली में अभी भीम आर्मी के कार्यकर्ता की हत्या हुई थी। रोज इस तरह की खबरें आती रहती हैं। सोचिए आज भी जातिवाद किस तरह हावी है कि आप नेता नहीं बन सकते, आप राजनीति नहीं कर सकते, आप अपने हक अधिकार के लिए बोल नहीं सकते। सवाल है कि ये कौन लोग हैं? ये वो जातिवादी मनुवादी गुंडे हैं जिनको संविधान पर भरोसा नहीं है, सत्य न्याय पर भरोसा नहीं है, समानता में भरोसा नहीं रखते, और इन लोगों ने इस तरह के कायराना हरकत की है। अगर इनको लड़ना है तो ये साफ साफ बताएं, खुला चैलेंज है, जगह बताएं, वहां लोग जाएंगे, आप कीजिए बहस, आप सवाल जवाब कीजिए। डेमोक्रेटिक देश है, संवैधानिक देश है, वो दौर नहीं है जैसे आपने जगदेव बाबू को मार दिया, सोनेलाल पटेल पर हमला करके उनकी हत्या कर दी, पीठ पीछे हमला करते हैं। अब वो दौर नहीं है, आप बच नहीं पाएंगे। यूपी पुलिस पर दबाव है, देखना है, लोग ने इसको राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। जल्दी से जल्दी यूपी पुलिस को आरोपियों तक पहुंचना पड़ेगा, उनके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। कहा जा रहा है कि हरियाणा नंबर के गाड़ी से आरोपी आए थे। और वहीं दूसरी एक और बड़ी खबर है, सोचिए आज बकरीद को लेकर तरह तरह के बवाल किए जा रहे हैं। सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि मैं शाकाहारी हूं, तो क्या उनकी नजर में इस देश दुनिया के जितने मांसाहारी हैं, भारत के जितने मांसाहारी हैं, वो सब अपराधी हैं जो मटन खाते हैं या मीट खाते हैं, मछली खाते हैं, चिकन खाते हैं, अंडा खाते हैं? सुधीर चौधरी की माने तो वो आदमी अच्छा है। वो लिखता है सुधीर चौधरी, अपनी रक्षा करने में अक्षम एवं एक मासूम जानवर को इससे क्या फर्क पड़ता है कि उसे काट कर कुर्बानी दी जाएगी या बलि चढ़ाई जाएगी या पकवान बनाया जाएगा। वो बस इतना जानता है कि हत्या होना तय है, वो नहीं जानता कि उसका मांस और खून अल्लाह की खिदमत में पेश होगा, देवी देवताओं के चरणों में भेंट होगा या किसी की थाली में परोसा जाएगा। बुद्धिमान इंसान के इस व्यवस्था में जिनका जीवन असंभव है और मौत निश्चित, क्योंकि जीवित रहने और रखने का अधिकार ऊपर वाले ने सिर्फ इंसान को दिया। वही तय करेगा कि किस जानवर की जगह कहाँ है, चिड़ियाघर में, जंगल में, कसाई खाने में या उसकी डाइनिंग टेबल पर। मैं शाकाहारी हूं इसलिए बात को नैतिक अधिकार रखता हूं। तो क्या ये एक धार्मिक एजेंडा है जो शाकाहारी पर चल रहा है? आपको क्या आपको पता है गाय या भैंस का जो दूध आप पीते हैं वो बछड़े के लिए होता है, और बछड़े का हक मारकर उसे आप तक पहुंचाया जाता है।
बछड़ा भूखा प्यासा रह जाते हैं और आप बेशर्मी से दूध दही घी पनीर आइसक्रीम खाते हैं। दूध पीते समय आपके अंतरात्मा आपको कचोटती नहीं है, आपको शर्म नहीं आती है? दिलीप मंडल ने इस तरह के जवाब दिए। तो सोचिए बकरी ईद के बहाने किस तरह से, बकरी ईद के बहाने लोगों को घेरा जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है, अब खाने पीने पर सवाल उठ रहे हैं और इस तरह की तमाम राजनीति हो रही है। तो क्या देश में एक कानून बना दिया जाए कि सब शाकाहारी ही रहना होगा, सबको शाकाहारी रहना पड़ेगा? तो सवाल तो है सबसे बड़ा। वही एक बड़ी खबर है, सुप्रिया श्रीनेत ने एक बात कही है, उसे देखिए। नमस्कार, आजकल साहब टीवी से उब गए, मोह भंग हो चुका है और इसी से नोएडा की फिल्म सिटी में तो धड़ाधड़ दिल टूटते जा रहे हैं। बेचारे इतना चरणवंदन करते थे साहब, उब गए और अब उन्होंने यूट्यूब की तरफ रुख कर लिया है। अब साहब के मंत्रियों का यूट्यूब वाले आकर इंटरव्यू कर रहे हैं। भाई इंटरव्यू करने की तो स्वतंत्रता कहीं पर भी है, कोई भी इंटरव्यू कर सकता है, कोई कहीं पर इंटरव्यू जाकर दे सकता है, लेकिन ये जो यूट्यूब पर इंटरव्यू किए जा रहे हैं ये आशय से किए जा रहे हैं। मीडिया में पहले गोदी मीडिया बनाया गया, चरण चुंबक बनाए गए, अब यूट्यूब में ही ऐसी चरण चुंबकों की फौज तैयार की जा रही है। तो ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स बताया जा रहा है, ये माई गव के साथ पार्टनरशिप में साहब के मंत्रियों का इंटरव्यू कर रहे हैं। वो इंटरव्यू मंत्रालयों पे कम है, साहब के महिमा मंडन में और मंत्रियों की खुद के निजी जीवन के बारे में, उनको खाने में क्या अच्छा लगता है, वो चिल आउट कैसे करते हैं, और भाजपा का प्रचार प्रसार तगड़ा हो रहा है इसमें। तो कुछ सवाल है जो अपने आप उठ जाते हैं। आप खूब ये सब करिए लेकिन हमारे पैसे पे मत करिए, ये टैक्स पेयर के पैसे पर मत करिए ये, क्योंकि माई गव ने अभी थोड़े दिनों पहले एक टेंडर निकाला था जिसमें एक एजेंसी नियुक्त होनी थी जो सोशल मीडिया के और यूट्यूब के बड़े इन्फ्लुएंसर्स, बड़े प्रभावशाली लोगों को माई गव से जोड़े। तो सवाल नंबर एक कि क्या ये एजेंसी नियुक्त हो गई और क्या ये इंटरव्यू उसके माध्यम से कराए जा रहे हैं? दूसरा, ये एजेंसी क्यों नियुक्त की जा रही है? तीसरा, इस एजेंसी को कितना पैसा दिया जाएगा? चौथा, इन यूट्यूबर्स को डायरेक्टली पैसा दिया जा रहा है? पांचवा, कि क्या पैसा यूट्यूबर्स को डायरेक्टली या देखिए एजेंसी के थ्रू दिया जा रहा है? छठा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, भाजपा का प्रोपोगंडा मंत्रियों के चाय और चुटकुले के लिए हम पैसा क्यों दें? और अंत में ये इंटरव्यू वाले क्या स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि ये पैसा लेके किया हुआ प्रचार है और ये प्रेस का कोई इंटरव्यू नहीं है? असल में दिक्कत देखिए क्या हुई ना, जो चरण चुंबक थे मीडिया वाले, उन्होंने ऐसी चापलूसी करी कि उनकी खुद की विश्वसनीयता खत्म हो गई, साख खत्म हो गई, लोग उनकी बात मानने को तैयार नहीं है, लोगों की आंख खुल गई है, असलियत सबके सामने है। और असलियत यह है कि देश जो है महंगाई से, बेरोजगारी से जूझ रहा है, साहब पता नहीं अपनी ही धुन में मस्त है। दिक्कत की बात यह है कि इन चरण चुंबकों ने चरणवंदन इतना किया, इतनी ढाल बने, एक सवाल नहीं पूछने दिया, ऐसे कूद पड़ते हैं प्रवक्ताओं से पहले जैसे ये भाजपा के लोग हों, इससे साहब को नुकसान हो गया और आप टीवी पर इनकी कोई बात मानने को तैयार नहीं, व्यूअरशिप नीचे गिर रही है। तो अब नया पैतरा इस्तेमाल किया जा रहा है यूट्यूब पर जाकर, लेकिन असलियत यह है कि आपकी विफलताओं की लिस्ट इतनी लंबी है कि न टीवी वालों से काम बना था न यूट्यूब वालों से बात बनेगी। तो राहुल जी यूट्यूबर से बात कर रहे हैं तो आपको करनी ही थी, अच्छी बात है, राहुल जी को हर जगह फॉलो कीजिए, काश मणिपुर भी चले जाते हैं। लेकिन अंत में मैं सिर्फ एक बात कहूंगी, सरकारें सुर्खियों से नहीं समझदारी से चलती है और जो नोएडा फिल्म सिटी से छन 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 दिल टूटने की आवाजें आ रही है बड़ी पीड़ादायक है। इतनी भक्ति करी और उसका यह सिला दिया आपने मोदी जी। ये सुप्रिया श्रीनेत हैं, ये खुद पहले पत्रकार थीं और ये कह रही हैं कि अब सरकार को लग रहा है कि टीवी अखबार पर से भरोसा लोगों का खत्म हो गया है, टीवी अखबार वाले पत्रकारों पर भरोसा नहीं है, वो यूट्यूबर से इंटरव्यू करवा रहे हैं। काश हमें भी कोई इंटरव्यू दे दे, हम तो इंटरव्यू करना चाहते हैं, हम तो पैसे भी नहीं लेंगे साहब, हम तो कुछ वाजिब सवाल पूछना चाहते हैं इस देश के लिए, संविधान के लिए, जनता के लिए। मैंने सतपाल मलिक जी का इंटरव्यू किया था, देखिएगा जरूर। मैंने कांग्रेस नेता ये सुप्रिया श्रीनेत का मैंने एक दिन इंटरव्यू किया था, वो भी जरूर देखिएगा। पत्रकारों को कोई इंटरव्यू नहीं देना चाहता है साहब, सब अपने अपने सेटर्स को इंटरव्यू देना चाहता है, उनको लगता है कि पत्रकार सवाल पूछ लेगा। खैर, इस समय की सबसे बड़ी खबर है चंद्रशेखर आजाद रावण पर हमला हुआ है, वो उनकी हालत स्थिर बनी हुई है, गोली उनकर छू कर निकल गई है, लेकिन जिस तरह से जानलेवा हमला हुआ है,
जिस तरह से चारों तरफ से घेर कर हमला हुआ है वो बहुत ही खतरनाक है, और पूरा देश, पूरी दुनिया के लोग चंद्रशेखर आजाद के लिए चिंतित हैं। तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने ट्वीट करना शुरू कर दिया है। अब गेंद यूपी सरकार के पाले में है, यूपी पुलिस के पाले में है कि वो आरोपियों तक, हमलावरों तक कब पहुंचती है और कब इस पूरे साजिश का भंडाफोड़ करती है कि कौन इस हमलावर का मास्टरमाइंड है, कौन हमलावर था, किसने साजिश रची थी, किसकी साजिश थी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।